हेलो ऑल माय डिवाइन सोल्स, आज फिर एक नया टॉपिक, फिर एक नए डिस्कशन के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। एवरी सेकेंड डे आई एम गेटिंग 2 to 3 मैसेजेस कि प्रिया जी एक्स वाई जेड बहुत ज़्यादा परेशान करता है ज़िंदगी में। कभी किसी की कोई नंद होती है, कभी कोई ऑफिस के अंदर कोई कोलीग है, कोई बॉस है, किसी का अपना हस्बैंड, किसी के अपने पार्टनर, किसी की सिस्टर, किसी का ब्रदर, कोई ना कोई ज़रूर है जिनके कारण मैं बहुत परेशान हूँ। ये क्लाइंट्स का कहना होता है हर दूसरे दिन। और आज जो मेरे पास मैसेज आया उसने तो मेरा जीवन हिला के रख दिया। एक फ़ीमेल का मैसेज था मेरे पास, यूट्यूब मेरे व्यूअर्स हैं आप ही की तरह कोई, और बहुत ही परेशान चल रही थी अपने स्कूल की कोई कुलीग के कारण। और आज उन्होंने मुझे मैसेज लिख के भेजा कि प्रिया मैं हर तरीके का बदला लेना चाहती हूँ उस फीमेल के साथ। आप सोच के देखिए ये सेंटेंस कि मैं हर तरीके का बदला ले सकती हूँ या लेना चाहती हूँ इस एक्स वाई जेड कुलीग के साथ। मैं नाम नहीं लूँगी डेफिनेटली, बट इस चीज़ ने मेरे अंतरात्मा को झिंझोड़ के रख दिया। और उस इसी पल मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ ये वीडियो बनानी है। बदला, रिवेंज, क्या वर्ड है ये? इसकी एनर्जी कैसी है? बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। वो मुझे फीमेल कहती हैं कि मैं जो भी काम करने चलती हूँ अच्छा अपने स्कूल के अंदर, वो उस काम को ख़राब कर देती हैं और मुझे बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं, मुझे अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ता है और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप के अंदर इंसल्टेड फील करती हूँ। मुझे गुस्सा आता है, मुझे अपने आप से कहते ना कि मुझे उसको फीमेल को मारने का मन करता है। ये कहा उन यूट्यूब मेरे व्यूअर ने मुझे जो मैसेज में लिखा। मुझे पहले तो बहुत परेशानी हुई पढ़ के कि इतने किस तरीके के लोग हैं। डेफिनेटली हैं, हर तरीके का इंसान है धरती पे। एनर्जीज हैं, किसी की एनर्जी प्योर है, किसी की नेगेटिव है, किसी की बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ये मैं स्पेशली आपके लिए वीडियो बना रही हूँ डियर। अगर आपको मन करता है बदला लेने का, क्या मिलेगा बदला लेके? हमारा मेन क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो जो चीज़ हो रही है हमारे साथ ये ख़त्म हो जाए। आप खुद बताइए, अपने आप से पूछिए, जो चीज़ वो आपके साथ कर रही है अगर आप वही सेम चीज़ करेंगे तो आप मैं कहाँ रहे? आप तो वो बन गए। आपने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया, आपने अपने अस्तित्व को खो दिया। आप जो थीं एक्स वाई जेड, फॉर एग्जांपल मैं जो प्रिया हूँ अगर मैं किसी से बदला लेना चलती हूँ तो क्या मैं प्रिया रह जाऊँगी? कभी भी नहीं। मैं वो इंसान बन जाऊंगी जो इंसान मेरे साथ परेशानियां क्रिएट कर रहा है लाइफ में, मेरे को गलत कर रहा है, मेरे लिए पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहा है या मेरे लिए कुछ भी नेगेटिव कर रहा है। मैं कहाँ रही? 2 मिनट सोच के देखिए ठंडे दिमाग से। मैं तो बिल्कुल नहीं रही। मैंने उसकी नेचर को अडेप्ट कर लिया अपने अंदर और मैं बिल्कुल उसकी तरह हो गई। जो उसने मेरे साथ किया मैंने खट उसके साथ वैसा किया। अगर आप रियली बदला लेना चाहते हैं, सीरियसली में बदला लेना चाहते हैं, तो थोड़े दिन के लिए इग्नोर करके आगे बढ़िए। आप अपनी आइडेंटिटी, अपना अस्तित्व, अपनी नेचर, अपनी जो बेसिक नेचर है उसको मत बदलिए एक नेगेटिव इंसान के कारण। वो उसकी क्वालिटी है, वो उसका क्वालिटी ट्रेट है कि वो इतना मीन पर्सनैलिटी का इंसान है, जो भी है एक्स वाई जेड, आपके रिलेटिव, आपके पार्टनर, आपके बच्चे। कई बार बच्चे भी बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है जब मुझे क्लाइंट्स बच्चों के लिए भी भेजते हैं कि बच्चे इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं आप उसको ज़्यादा प्यार करते हो, मेरे को नहीं करते। बच्चे खाना नहीं खाते, नफरत करके घर से निकल जाते हैं। किसी को कोई एडिक्शन है गलत, कोई सिगरेट ज़्यादा पीता है बच्चा, कोई कुछ प्रॉब्लम है। देखिए इंसान तो अपना रूप दिखाएगा ही दिखाएगा, ये हमारा नॉर्मल ट्रेट है। आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं ये आप बताइए, सोच के देखिए। मुझे बहुत दुख हुआ ये पढ़कर कि बदले की भावना इतनी बढ़ती जा रही है लोगों में, मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने सोचा आज जैसे ही मैं संडे के काम से फ्री होंगी मैं सबसे पहले वीडियो बनाऊंगी। बदला कभी किसी को अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता जीवन में। आप हर जन्म ऐसे परेशान रहेंगे, साइकिल चलती रहेगी, वापस बदले पे बदला, बदले पे बदला आता रहेगा। बट हमको सॉल्यूशन,
हमको पॉजिटिविटी, हमको अच्छा रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा और हम ऐसे तह जिंदगी हर जन्म तड़पते रह जाएंगे कि क्यों सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया, मैं तो बहुत अच्छी थी, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये बार बार चीज़ आपको झंझोड़ती रहेगी आपको, और वो एक शून्य सा इंसान जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर यूनिवर्स के ऊपर एक एक पॉइंट, ये जो हमारा जो पेन का जो हमारा पॉइंट है वैसा भी नहीं है वो लाइफ में, उसको इग्नोर करके आगे बढ़िए। और अगर वो आपको रोकता है जीवन में तो आप देखेंगे आप उसके नेगेटिव इफेक्ट के कारण आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। कैसे? आप अपने आप को ज़्यादा प्रूव करते हैं, आप हर पल अलर्ट होके चलते हैं अपनी जॉब के अंदर, आपका जो पोटेंशियल है वो 100 times बेटर होके आता है आपके सामने, आप ज़्यादा अच्छा अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, आप सारी अपनी एनर्जी नेगेटिव हटा के अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं कि मुझे अच्छे से करना है क्योंकि वो मुझे परेशान करती है। स्टार्ट सेइंग थैंक यू टू दोज पीपल, दोज हू हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम इन योर लाइफ, करके तो देखो एक बारी, करके देखिए। मुझे भी जीवन में बहुत परेशानी दी लोगों ने, आप यकीन नहीं मान सकते। मैं भी एक टीचर थी एक स्कूल में, मैंने भी एक दिन रिज़ाइन करके इस प्रोफेशन में आई क्योंकि मैंने महसूस किया कि आई एम मेड फॉर दिस प्रोफेशन। और आज आप देखिए, आप सबकी दुआएं, सबकी ब्लेसिंग, सबका प्यार, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आज मैं जहां हूं, मैं प्रे करती हूं कि हर एक को वो प्रोग्रेस मिले, आपको भी इतने ही चाहने वाले मिले जितने मेरे पास हैं आप जैसे लोग। बट किसी एक के कारण, दो के कारण हम अपना जीवन नहीं रोक सकते, हम उनके जैसे नहीं बन सकते। जब वो हमारे जैसे नहीं बन सके, हम क्यों उनके जैसा बनने का सोचते हैं? सोच के तो देखिए एक बारी, कितनी डिस्टर्बिंग सी थॉट है। आप कैसे बदला ले सकते हो? बदला लेना है तो बी मोर नाइस, अच्छा और बनिए। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रही है इस मेडिटेशन को कि कोई आपके साथ गलत करे, आप सोचो कि वो आया है मुझे बेटर बनाने, वो मुझे अच्छा बनाने आया है, वो मुझे और ज़्यादा पोटेंशियल देके जाएगा लाइफ में, वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पहचानने की एक मौका देने आया है ये इंसान। आप ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं जब लोग आपके साथ ऐसे करते हैं, आप ज़्यादा भगवान के क्लोज होते हैं, आप यूनिवर्स के ज़्यादा नज़दीक जाते हैं जब लोग आपके साथ ऐसा करते हैं। यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दीजिए, बिल्कुल यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दीजिए कि प्रभु मैं तेरी, मुझे संभालो आज से। हम पता है क्या गलती करते हैं, हम लोगों के आगे सरेंडर करते हैं, हम लोगों को इतना प्यार दे देते हैं बेमतलब कि लोग हमारे साथ फिर धोखा करते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। यूनिवर्स के आगे सरेंडर करिए, यूनिवर्स को प्यार करिए, उस एनर्जी को, उस ताकत को प्यार करिए जिसने आपको बनाया है, फिर आप देखिए आपका जीवन कितना खूबसूरत बन जाता है, करके तो देखिए। और कहते हैं ना कि जो चीज़ हो आपके मन की वो बहुत अच्छी, और जो चीज़ हो ना हो आपके मन की वो उससे भी ज़्यादा अच्छी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे तो यूनिवर्स की प्लानिंग है। जो चीज़ आपके मतलब की होती है जीवन में वो बहुत खूबसूरत, जो आपके मतलब की नहीं, खुदा के मतलब की, ईश्वर की मर्जी की, वो तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। आप मुझे खुद बताइए, जब आप अपने बच्चों के लिए कुछ सोचते हैं तो क्या कभी आप गलत सोचते हैं? कभी भी नहीं ना। तो हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, यूनिवर्स, ये डिवाइन लाइट हमारे बारे में गलत कैसे सोच सकती है? तो जो भी कुछ हो रहा है वो सब ईश्वर की मर्जी है। अगर कोई सामने वाला आया है आपको नेगेटिव बोलने, आपसे बदले लेने, आपके लिए कुछ कुआं खोदने के लिए, कुछ गलत करने के लिए, समझ लीजिए वो ईश्वर ने भेजा है ताकि आप बेटर कर पाएं अपने जीवन में। अब ईश्वर तो हर जगह आ नहीं सकता ना, तो उन्होंने भेजे हैं ऐसे लोग जो हमको फोर्स करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और मेहनत करने के लिए, और शाइन करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। अभी भी आपको इतना गुस्सा आ रहा है? आई होप आपको इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। अब सोच के देखिए कितना खूबसूरत बात है ना, कि जो मेरे मन की बहुत अच्छी, जो मेरे मन की नहीं वो उससे भी ज़्यादा अच्छी, क्योंकि वो भगवान के मन की हो गई। सो फ्रेंड्स, आज से सरेंडर करिए। जो भी आपके साथ गलत करता है, चाहे वो आपका कोई रिलेटिव है, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे आपके बच्चे हैं, कोई भी आपका दिल दुखाता है, चाहे मदर इन लॉ है, चाहे आपको लगता है कि ये मेरे लिए परेशानी का सबब है, कोई भी इंसान, बदले की भावना कभी मत रखिए। उस चीज़ को वहीं क्रॉस कर दीजिए, कैंसिल, और देखिए जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा, कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा जीवन। आप खुद कहेंगे कि ओ माय गॉड, ये वही लाइफ है जो मैं चाहती थी।
करके तो देखिए एक बारी, ट्राई करके देखिए आज से। कोई भी आपके साथ गलत करता है आप इतना सोचिए, डिवाइन लाइट है ना जो ऊपर, उन्होंने हमारे लिए इसको बना के भेजा है ताकि हम अपना 1000% बेटर कर पाएँ लाइफ में और अपने आप को बेटर प्रूव कर पाएँ। आई होप आपका गुस्सा थोड़ा सा कम हो गया होगा और मेरी ब्लेसिंग्स और प्यार आप सबके साथ। प्लीज़ दोस्तों मत सोचिए बदला लेने की, आगे बढ़िए। जीवन बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, इसको वैसे ही लीजिए। थैंक यू सो मच। और आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपको ज़रा से काम आए तो प्लीज़ एक सिंगल लाइक दीजिए ताकि मैं जान सकूँ कि हम दोनों कनेक्टेड हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।